गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज उठ नहीं पाया दोस्तों, छोटा सा अपडेट है। कल भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोते सोते ऑलमोस्ट 3:15-3:30 हो गया। मतलब बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था। आई कुडंट इवन, मैं सोने का कोशिश किया लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मेरा स्लीप साइकिल जो है कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है, तो उसको अभी ठीक करने एक दो दिन लगेगा मेरे को ठीक करने के लिए। तो सुबह जब मैं उठा तो ऑलरेडी 9:10 बज चुका था। मैं सोचा 9 बजे जाऊं, लेकिन फिर बाहर का जो धूप है ना वो देख के मेरी फट ली। अभी क्लाइमेट जो है इधर दुबई का चेंज होने लग गया, अभी 30 डिग्रीज 31 डिग्रीज हो गया है गर्मी। अभी थोड़ा थोड़ा करके वार्म होने लग गया अभी, तो उसके कारण मैं गया नहीं। तो मैंने सोचा फिर एनीवेज आज तो काम पे जाना है, बिकॉज आज फ्राइडे ही काम है। बाकी पूरा दिन जो है छुट्टी है मेरे लिए। कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब तक मेरा वेबसाइट SEO में नहीं आता तब तक कॉल्स नहीं आने वाला मेरे को। तो आज एनीवेज मुझे काम पे जाना है, आज है फ्राइडे। तो मैंने सोचा आज इंस्टेड ऑफ कार आई विल गो बाय मेट्रो। तो आज गाड़ी नहीं लूँगा, बिकॉज हमने तय किया कि हमें एटलीस्ट 3,000 से 5,000 स्टेप्स तो चलना ही चलना है। तो डाइट तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने डाइट के लिए क्या सोचा है, और आज मेट्रो से जाएंगे। तो यह है बेसिकली गूगल के तरफ से। तो मैं चेक कर रहा था टाइमिंग, अगर मैं 2 बजे या 2:30 बजे निकलूँगा मैं 4 बजे पहुँच सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा घर से 12 मिनट बस स्टॉप तक चलना पड़ता है, विच इज़ 850 मीटर्स। फिर उसके बाद मेट्रो स्टेशन तक बस पकड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स उतर के फिर मुझे बस नहीं पकड़ूंगा, मैं उधर से चल के जाऊंगा। तो 21 मिनट मुझे चलना है एक्चुअली इसके लिए। तो ये तो इधर वर्षा लुलू के लिए मुझे बस दिखा रहा है, लेकिन मैं चलूँगा इधर से। तो मैं चलूँगा तो 21 मिनट तो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हूँ। तो आप देख सकते हो ये तो 1.5 किलोमीटर प्लस 800 मीटर, तो अच्छा खासा आज वॉकिंग हो जाएगा। तो हाँ, वही सोचा है अभी आज वॉक करेंगे हम, आज मेट्रो से जाएंगे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है मेट्रो में कि मैं जब तक वापस पहुँचूँगा रात को 9 बजे अगर ख़त्म हुआ तो मुझे घर पहुँचते एटलीस्ट 11:30 बज जाएगा। मतलब 1.5 घंटा से 2 घंटा लगता है बेसिकली ट्रैवलिंग जो है ना इसके कारण। तो मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं एक्चुअली डाइट के लिए कुछ चीज़ें मैंने चेंज कर दिया। आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, कल रात को जो खाया था बहुत लेट ही खाया था मैंने। कल मटन बनाया था, थोड़ा मटन खाया मैंने और 2 रोटी खाया। और मैंने अभी ब्रू कॉफ़ी लिया है, और कॉफ़ी के साथ मैंने एक नया चीज़ लिया है। यह अभी नया है मुझे, कॉफ़ी मेट जो है इंस्टेड ऑफ 0 कोलेस्ट्रॉल, ये जो है ये कॉफ़ी मेट लिया है मैंने इसके साथ जाने के लिए। यार इट्स ओके, इट्स टेस्टी ऑल्सो, प्लस जो है हमारे हेल्थ के हिसाब से सही है। तो मैं एक ही कॉफ़ी लूँगा डेली, मैंने सोचा एक ही कॉफ़ी। मैजिकल ऑक्टेव, इज इट ओके टू हैव 1 कॉफ़ी इन अ डे? आई डोंट ड्रिंक मच कॉफ़ी और टी, बस सुबह एक मैंने वेकअप, आई नीड 1 कॉफ़ी और 1 टी, दैट्स इट। फिर दूसरा जो चीज़ लिया मैंने, अरे कहाँ गया, ये है सफोला का मसाला ओट्स, दिख रहे हैं आपको? तो एनी टाइम स्नैक। तो ओट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मैं आज तक मेरे बचपन से भी मुझे ओट्स का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था। तो मैंने ये लिया आज ट्राई करने के लिए, टेस्ट के लिए 2 पैकेट लिया मैंने, तो वो बनाऊंगा। और आज सिर्फ वही है दोपहर के लिए जो खाऊंगा मैं, मैंने वही सोच कर रखा है कि दोपहर के लिए मैं वही खाऊंगा। एंड फिर रात को आके फिर मैं खाना खाऊंगा, मे बी कुछ वेजिटेबल्स या सलाड्स, फ्रूट सलाड या वेजिटेबल सलाड, कुछ भी हो। चावल थोड़ा खाऊंगा, एक कटोरी का मैंने सोचा हुआ है, तो वो एक कटोरी के हिसाब से जो भी है खाऊंगा। तो ये है अभी का जो है अपडेट। तो डाइट मेन चीज़ है, तो वही है, चलना तो है, आज मैं चलूँगा ज़रूर। तो मैं अपने आप को एक पनिशमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि भैया आज मैं सुबह उठ नहीं पाया, कल तो उठना ही पड़ेगा मुझे, कल सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, वैसे भी छुट्टी है हर दिन। तो कल तो उठ के जाना है, तो आज मैं जल्दी आऊँगा, चल के आऊँगा तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा थकान होगा, तो एटलीस्ट आई कैन स्लीप। तो ये जो व्लॉग है मैं
आज स्टूडियो से ही एडिटिंग करके, तो चलने के टाइम क्या था, हम लोग व्लॉग भी कर सकते हैं और आपको दिखा भी सकता हूँ बहुत कुछ चीज़ें. दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू ऑल्सो. चलते चलते आई कैन शो यू डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने सोचा चलो आज जो व्लॉग है ऐसे ही शुरू करते हैं. पैम ने ऑलरेडी इधर फ्राइड राइस बनाया हुआ है, लेकिन मुझे यार ये तेल का नहीं लेने का आज. मैं सोच रहा हूँ यही खाऊँ, यही बनाते हैं भैया. तो इसको 3 मिनट तक कुक करने के लिए बोला है, तो पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया. देखते 3 मिनट तक कुक करने के बाद क्या होता है. मुझे लग रहा है शायद पानी ज़्यादा हो गया, पता नहीं. अभी तो बनाने के लिए रखा हुआ है, देखते थोड़ा बॉयल होने के बाद शायद वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा. ओट्स ज़्यादातर गाढ़ा ही होता है. मुझे नॉर्मल ओट्स पसंद नहीं है, दूध वूध के साथ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे मालूम भी नहीं है. मैंने ये देखा है कि ओट्स मील जो होता है हमेशा जो होता है वेट लॉस के लिए, बहुत लोगों ने ओट्स मील से ही शुरू किया उनका डाइट, बिकॉज बहुत फुलनेस रहता है तो आपको भूख नहीं लगता. तो ओट्स हमेशा सबका एक प्रेफरेंस रहा है वेट लॉस के लिए. थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है अभी, मतलब गर्म हो रहा है तो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है अभी. ये एक मटर क्यों डाला इन्होंने, डालना तो 4-5 मटर डाला जाता है, इसमें एक ही मटर है बस एक पैकेट में. अब इसके बाद मुझे नहाना है, तैयार होना है और जाना है. तो ये हो गया भैया, देखिए गाढ़ा हो गया ये. अभी ये हो गया मेरा सफोला ओट्स मील. कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है यह भैया, मैं सफोला को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट. मतलब जब मैंने पानी डाला था बिल्कुल बारीक था, अभी देखो. तो हाँ भैया, मैंने ज़िंदगी में बचपन में शायद 1-2 बार खाया रहेगा ओट्स जो है, ओट्स जो भी है. उसके बाद पहली बार अब मैं ये मसाला ओट्स खा रहा हूँ, बिकॉज मसाला मतलब ऑफकोर्स इसके कारण, नहीं तो ओट्स में कोई टेस्ट नहीं रहता. तो इसलिए मसाला ओट्स देखा तो मैंने बोला चलो ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा टेस्ट है, मसाला मतलब मसाला है. और नमक कम था तो मैंने थोड़ा नमक डाल दिया. नॉट बैड. देखते हैं इतना जो एक बाउल है, अभी एक बाउल मुझे कितना देर तक भूख ना लगे वैसे ये मेरे को सेव करेगा. लेट्स सी, अगर ये अच्छा है तो फिर मैं और भी खरीदूंगा ये. तो दोस्तों मैं इसको ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मुझे तैयार होना है. अभी ऑलरेडी 1 बज चुका है, मुझे 2:30 बजे निकलना है. ये खा के फिर उसके बाद नहा धो के तैयार हो के हमें निकलना है स्टूडियो के लिए. और आज हम जा रहे हैं चल के, मतलब मेट्रो में, बट चलना बहुत दूर है इधर से, बस स्टेशन पास नहीं है मेरे घर से, बस स्टेशन तक चलना है. उसके बाद वापस मॉल ऑफ एमिरेट्स जो है दुबई का, उधर से मुझे 21 मिनट चलना है पैदल. तो आज वही करेंगे. तो हाँ भैया, हम निकल चुके हैं पैदल वॉकिंग टू ऑफिस टुडे. गाड़ी लिया ही नहीं मैं, तो देखते हैं आज कितना स्टेप्स लेते हैं हम लोग. अभी एक बस मिस हो गया मेरा यार, अभी 15-20 मिनट के बाद दूसरा बस आएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाऊंगा, 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं. तो बेसिकली अभी आज ये जो ट्रैवल जो है मैं अपना मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिकॉज कैमरा भी उठा के रिकॉर्डिंग करना पब्लिक थोड़ा अवेयर हो जाता है, तो इट्स बेटर टू रिकॉर्ड विद मोबाइल. तो बेसिकली ये कार्ड है जो इधर चलता है, नॉल कार्ड, इसको टैप करना पड़ता है और पैसा इसमें डालना पड़ता है. मशीन होता है, मशीन में पैसा डालना पड़ता है. Thank you.
पे 4:30 को मैं अभी पहुंचा, अभी इधर से मुझे चलना है 20 मिनट। वो जो गेट दिख रहा है आपको उधर, हम लोग को हमारा कार्ड जो है टैप करना पड़ता है, तो जब आप घुसते हो टैप से, अपना भी उधर ही ऐसे सिस्टम होता है मेरे को लग रहा है मेट्रो में, उधर टोकन होता है इधर कार्ड होता है। तो ये है भैया मॉल ऑफ द एमिरेट्स, दुबई मॉल के बाद दूसरा बड़ा मॉल है ये। यार इस कैमरा में स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये मोबाइल के कैमरा में। ये देखो भैया शाम का ट्रैफिक, गाड़ियाँ रास्ते में खड़ा हुआ, अभी इफ्तारी खुलने का टाइम है ना, सब आधे आधे में। यार मैंने सोचा था बहुत गर्मी होगा, लेकिन एक्चुअली गर्मी नहीं है बिल्कुल, इट्स क्वाइट ओके, अच्छा क्लाइमेट है। यार ये फ़ोन से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा मैं, बिकॉज हाथ में बैग है उसके साथ साथ ब्लॉगिंग, सो आई कांट डू मच ऑफ ब्लॉगिंग एक्चुअली। लेकिन जो भी है इतना तक तो किया हमने। इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ख़राब है ये फ़ोन का, सोनी एक्सपीरिया 1 Mark III, इतना गंदा स्टेबलाइजेशन है ना इसका, पूछो मत। तो अभी हम पहुँचने वाला है, ये है हमारा बिल्डिंग, और हम ऑन टाइम एक्चुअली 10 मिनट पहले पहुंचने वाला हूं मैं, तो सही है भैया। तो हाँ दोस्तों, फाइनली मैं 10 मिनट पहले एक्चुअली स्टूडियो पहुंच गया। अभी कितना स्टेप्स चला हम लोग चेक करते ज़रा, मैंने अभी तक चेक नहीं किया बिकॉज मैं मोबाइल से एक्चुअली आप लोगों के साथ बात कर रहा था, तो अगर मैं चेक करूँ अभी 3,742 स्टेप्स। अभी यही सेम चीज़ 3,742 मुझे वापस भी जाना है रात को, समझ गए आप। एक मिनट अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा आज का अचीवमेंट, 3,742 इतना स्टेप्स मैंने आज चला है। मैंने क्या किया अभी, कुछ इतना तेज़ भूख लग रहा था मेरे को, सिर्फ मैंने वो ओट्स खाया था मैंने, अभी नीचे से दो बॉयल्ड एग लिया मैंने, तो अभी फ़िलहाल पेट के लिए आई थिंक बॉयल्ड एग से तो कोई मुश्किल नहीं होने वाला, तो दो बॉयल्ड एग लिया और उसके साथ में एक चाय बस। अब रात के 9-10 बजे तक कुछ नहीं खाने वाला मैं, 9-10 बजे जाके फिर एक थोड़ा सा राइस या नहीं तो कुछ वेजिटेबल बॉयल्ड ऐसे कुछ बना के आज खाऊंगा मैं। तो आज का डाइट यह है और आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। ये हो गया हमारा 3rd डे एक्चुअली। तो एक अंडा, बहुत तेज भूख लगी थी यार, 1 बजे खाया था अपना ओट्स, मतलब अभी बज गया 5, तो 4 घंटे के लिए सही था, लेकिन पहुँचते पहुँचते मुझे भूख लगने लग गई। तो आई थिंक ये 2 अंडा भी काफ़ी होगा 9-10 बजे तक, फिर घर जाके 9-10 बजे कुछ लाइट खा के सोऊंगा मैं। चलिए मैं आपसे ये खाने के बाद में बात करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, फाइनली अभी जो है 2 अंडे खाया तो थोड़ा जान में जान आया, मुझे लगता है मुझे शाम तक रात तक अब मैं नहीं कुछ खाऊंगा। तो आज एक ओट्स हो गया, 2 अंडा हो गया, बॉयल्ड एग्स और एक चाय और एक कॉफ़ी, बस उतना ही हुआ है। आज मैं जाके थोड़ा अपना डाइट प्लान जो है 1 हफ्ते के लिए जो है कम्प्लीटली बनाऊँगा, आई ट्राई टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली यू नो, बिकॉज ऐसे नहीं चलेगा। आज मुझे भूख लगा था, मैं प्लान नहीं किया था कि मैं अंडा लूँगा, उधर बहुत सारे चीज़ थे फ्राइड वाइट लेकिन मैं लिया नहीं, तो आई थॉट आई जस्ट गो विद द बॉइल्ड एग्स बिकॉज दैट्स मच मोर हेल्दियर देन हैविंग समथिंग विच इज़ फ्राइड चिकन और फ्राइड दिस थिंग। सो एनीवेज, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे अभी ये बैठ के अभी हो गया 5, मेरा स्टूडेंट भी आ चुका है, अब 2 स्टूडेंट्स हैं 9 बजे तक, तो तब तक जब तक मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा ये एडिट करके आप लोग के लिए अपलोड भी करना है। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद, सत्यमेव जयते, जय हिंद।